12 सालों के बाद एक बार फिर वर्ल्ड कप की होस्टिंग करने को तैयार भारतीय टीम न सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारियों पर ध्यान दे रहा है बल्कि टीम के सिलेक्शंस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि मिल रही जानकारी के मुताबिक हमें वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कई हैरान करने वाले चेहरे नजर आ सकते हैं। तो कौन से होंगे वो 15 खिलाड़ी जिनको मिल सकता है वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में मौका, बताएंगे आपको इस वीडियो में। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। गौरतलब है कि वर्ल्ड कप की होस्टिंग को तैयार भारतीय टीम से इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की उम्मीद न सिर्फ बीसीसीआई को बल्कि भारतीय प्रशंसकों को भी होगी। और ऐसे में अब बीसीसीआई ने अपनी इस उम्मीद को पूरी करने के लिए एक ऐसी टीम के चयन का मन बना लिया है जिसमें हमें कई ऐसे नए चेहरे नजर आ सकते हैं जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मिल रही जानकारी के मुताबिक हमें इस टीम में सीनियर खिलाड़ियों के साथ कई नए युवा खिलाड़ी भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि कौन से वो नए खिलाड़ी होंगे जिनकी भारतीय टीम में वर्ल्ड कप खेलने के लिए चयनित किया गया है, लेकिन मिल रही जानकारी के मुताबिक आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल को इस बार वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिल सकता है। वहीं लगातार टीम से बाहर चल रहे संजू सैमसन को भी भारतीय टीम विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मौका देती नजर आ सकती है। हालांकि सैमसन को उसी शर्त पर भारतीय टीम में मौका दिया जा सकता है जब केएल राहुल इंजर्ड ही रहे और वो भारतीय टीम में खेलने को असमर्थ है। खबरों की माने तो वर्ल्ड कप से पहले ऋषभ पंत भी फिट हो सकते हैं और ऐसे में एक बार फिर से संजू सैमसन की टीम में जगह बनती नजर भी नहीं आ सकती। ऐसे में आपको बता दें कि जिस 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में वर्ल्ड कप के लिए मौका दिया जा सकता है वो हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, अर्षदीप सिंह, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या भारतीय टीम स्क्वाड में कोई और बदलाव करती नजर आती है या फिर सूत्रों की बात सही साबित होती है और इन्हीं खिलाड़ियों को भारतीय टीम में मौका दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में से एक आईसीसी ट्रॉफी के लिए तरस रहे भारतीय टीम को इस बार ये उम्मीद है जैसे उन्होंने 2011 में 29 सालों के सूखे को खत्म करते हुए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में कामयाबी दर्ज की थी, वैसे ही इस बार भी 10 सालों के ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले कुछ मुकाबलों में भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है उसे देखकर यह अनुमान लगा पाना भारतीय टीम इस बार की वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो जाएगी ये थोड़ा मुश्किल है, मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसीलिए भारतीय प्रशंसकों को भी भारतीय टीम से उम्मीद है कि जैसे 2011 में हुए वर्ल्ड कप धोनी की टीम इंडिया ने जीतने में कामयाबी दर्ज की थी वैसे ही इस बार रोहित शर्मा की टीम इंडिया वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब हो जाएगी। आपको बता दें 2011 में भी भारतीय टीम ने ही वर्ल्ड कप का होस्टिंग किया था और ऐसे में एक बार फिर से वर्ल्ड कप के होस्टिंग आज जिम्मा भारतीय टीम को ही सौंपा गया है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारतीय टीम कम से कम अपने होम ग्राउंड पर ही वर्ल्ड कप खेलते हुए ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो जाएगी। ऐसे में आपका इस पर क्या राय है, क्या भारत में होने वाले इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो पाएगी, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।